नमस्कार, जनता दरबार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा और आज हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी स्टोरी जिसका आज स्मार्टफोन और कंप्यूटर समेत कई टेक्नोलॉजी के जमाने में भले ही क्रेज कम हुआ हो लेकिन अपने अस्तित्व को कम नहीं होने दिया। जी हाँ, भले ही इलेक्ट्रॉनिक संचार के आगमन ने चिट्ठी पत्री को दौर कम कर दिया हो लेकिन आज भी कई संस्थाएं कार्यालय ऐसे हैं जो आधिकारिक कार्य के लिए उस प्रक्रिया पर ही भरोसा करते हैं। स्मार्टफोन के आगमन से पहले ये प्रक्रिया ही एक महत्वपूर्ण संचार का माध्यम थी। उस समय जब किसी के पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे तब लोग इसके जरिए ही अपने प्रियजनों से अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को साझा करते थे। हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए उसके बारे में बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने जनता दरबार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमारी इस स्टोरी से अंत तक जुड़े रहें ताकि हम आपको उस महत्वपूर्ण संचार के साधन को बता सके। हमारे इस स्पेशल पैकेज को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप तक हमारे द्वारा बनाई गई स्पेशल स्टोरी आसानी से पहुंच सके। और अगर आपके पास भी है कुछ अलग हटकर ऐसी जानकारी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं ताकि आपके द्वारा भेजी गई स्टोरी को हम उचित मंच प्रदान करने का प्रयास कर सके। स्मार्टफोन और कंप्यूटर समेत कई टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर के लोगों को पहले से कई अधिक आसानी से जुड़ने और संवाद करने में सक्षम बनाया है। स्मार्टफोन के आगमन से पहले डाक पत्र एक महत्वपूर्ण संचार का माध्यम था। उस समय जब किसी के पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे तब लोग डाक पत्र के जरिए अपने प्रियजनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को साझा करते थे। यह समय अपने आप में अद्भुत था। हम उस अतीत में वापस तो नहीं जा सकते लेकिन उन दिनों को याद करते हुए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस जरूर मनाते आ रहे हैं। भले ही इलेक्ट्रॉनिक संचार के आगमन ने चिट्ठी पत्री का दौर कम कर दिया है लेकिन आज भी कई संस्थाएं कार्यालय ऐसे हैं जो आधिकारिक कार्य के लिए डाक पर ही भरोसा करते हैं। भारत में आधुनिक डाक विभाग की शुरुआत 18वीं सदी से पहले हुई थी। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में साल 1774 में खोला गया था जो पोस्ट दुनिया का सबसे लॉजिस्टिक नेटवर्क है। वहीं साल 1774 में ही कोलकाता जीपीओ की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही उसी साल रेल डाक सेवा की शुरुआत भी की गई थी। 1774 में ही भारत से ब्रिटेन और चीन के लिए समुद्री डाक सेवा की शुरुआत भी हुई थी। इसके बाद साल 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में UPU यानी यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन की स्थापना की गई थी और साल 1969 में जापान के टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन कांग्रेस द्वारा इसकी वर्षगांठ को विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। आपको बता दें कि UPU दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो डाक सेवा को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य लोगों और व्यवसायियों के लिए डाक सेवाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। डाक सेवाएं लोगों को एक दूसरे से जुड़ने, व्यवसायों को माल भेजने और सरकारों को सेवाएं प्रदान करने में मदद करती है। डाक सेवाओं से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हैं जिनको लेकर हम बात कर लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक हर वह जानकारी पहुंचे जिसे वह जानना चाहता है। तो आपको बता दें कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर श्रीनगर के डल झील पर स्थित है। 1 जुलाई 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन का सदस्य बनने वाला भारत पहला एशियाई देश था। साल 1774 में कोलकाता में वारेन हेस्टिंग्स ने भारत का पहला डाकघर स्थापित किया था। पहला डाक टिकट भारत के सिंध जिले में 1 जुलाई 1852 को जारी किया गया था। करीब 1.5 लाख से अधिक डाकघरों के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा
डाक नेटवर्क है। विश्व डाक दिवस कैसे मनाएं, ये भी हम आपको बता देते हैं, तो आप भी इसे मनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आप भी विश्व डाक दिवस को मनाने में शामिल हो सकते हैं और डाक सेवाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस में जाकर डाक टिकट और अन्य डाक सामग्री खरीदें, इससे डाक सेवाओं को समर्थन मिलता है और लोगों को डाक सेवाओं के बारे में जानने में मदद मिलती है। डाकघर में जाएं और डाक सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। डाकघर कर्मचारी आपको डाक सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं और आपको उनका उपयोग करने में मदद भी कर सकते हैं। डाक सेवाओं का उपयोग करें। डाक सेवाओं का उपयोग करके आप डाक सेवाओं के महत्व को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारी डाक प्रणाली को आम आदमी की जरूरतों को केंद्र में रखकर विकसित करने का नया दौर शुरू हुआ था। नियोजित विकास प्रक्रिया ने ही भारतीय डाक को दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन डाक प्रणाली बनाया है। राष्ट्र निर्माण में भी डाक विभाग ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, जिससे इसकी उपयोगिता लगातार बनी हुई है। आज भी आम आदमी डाकघरों और डाकिये पर भरोसा करते हैं। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद देश में आम जनता का इतना जन विश्वास कोई और संस्था नहीं अर्जित कर सकी है। यह स्थिति कुछ सालों में ही नहीं बनी है, इसके पीछे डाक विभाग के कार्मिकों का बरसों का श्रम और लगातार प्रदान की जा रही सेवाएं छिपी है। तो दर्शकों, इस पैकेज के माध्यम से हमने आपको डाक दिवस के महत्व के बारे में बताने का प्रयास किया था। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हम डाक विभाग के महत्व को शायर निदा फाजली की दो लाइनों के माध्यम से आपको अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। मतलब साफ है कि डाकिये के थैले में से निकलने वाली चिट्ठी किसी को खुशी का तो किसी को गम का समाचार देती है, मगर आज नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका है। अब ईमेल व्हाट्सएप के माध्यमों से मिनटों में लोगों में संदेशों का आदान प्रदान होने लगा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नई खबर के साथ जल्द आपसे मिलते हैं। नमस्कार।